तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ पाइनएप्पल का एक प्लॉट, जिसमें एक भी पाइनएप्पल का जो पेड़ है उसमें पाइनएप्पल मिस नहीं हुआ। इसका बहुत सारा रीज़न है, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। आज मैं आप लोगों को बस ये दिखाने जा रहा हूँ जो अभी आप पीछे देख रहे हो, जिसमें एक भी पेड़ मिस नहीं हुआ, यानी कि इसमें एक भी जो पाइनएप्पल है वो ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं है, सब में पाइनएप्पल है। तो आप देख सकते हो, इनमें से एक सबसे बड़ा रीज़न है, जैसे आप देख सकते हो, आप ये जो नेट वगैरह है, सीड वगैरह, ये सब लगाया हुआ है। इसका एक कारण है, जब इसमें कार्बेट किया जाता है तब इसको हिलना नहीं चाहिए, यानी कि इधर से कोई आता जाता अगर हिला देता है इस पेड़ को, यानी पाइनएप्पल ट्री को, तो ये क्या होता है, उसमें से फल नहीं आएगा। इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर नेट वगैरह लगा हुआ है, जिससे कि पाइनएप्पल का पेड़ नहीं हिले। और खाद वगैरह जो है वो सब तो देना ही पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है ये, जिससे कि पेड़ नहीं हिलेगा, इसमें कोई नहीं आएगा, नहीं हिलेगा, तो फिर जो पाइनएप्पल पेड़ है वो सही रहता है और पाइनएप्पल आ जाता है कार्बेट करने से। आप देख सकते हो एक भी पेड़ मिस नहीं हुआ, इसका बहुत बड़ा रीज़न है ये। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो पे।